इस ट्रेलर में कोई दमकम है या नहीं है? एक नॉर्मल ट्रेलर है, आइडिया नहीं हुआ खास, जैसे ये पता लगे कोई रेस्क्यू मिशन वगैरह है। 48 घंटे लगे थे इसको, इसका नाम होना चाहिए था वो 48 घंटे। वो ये कह रहा है कि ये 500 करोड़ की मूवी। अक्षय का करियर जो है ना वो खत्म हो गया मेरी नजर, उनके पास स्टोरी नहीं है, उनकी मुसलसल फिल्म फ्लॉप हुई है, मुसलसल बेतहाशा। अक्षय जो है वो मुसलसल एक ही चीज का सहारा ले रहे हैं, या तो है मजहब या गुलबत्ती। अक्षय हारे हुए खिलाड़ी की तरह ना सेफ जोन में खेलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा बर्ड। नाज़रीन, अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है, यकीनन आप सबने देख भी लिया होगा। आज इसी ट्रेलर पर बात करेंगे कि कैसा था ये ट्रेलर और क्या इस ट्रेलर में कोई दमकम है या नहीं है, और ये फिल्म जो है इसकी स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। फिल्म पर बात करते हैं, ये जो इसका ट्रेलर आपने देखा होगा, आपको लगा कैसा है? देखिए ट्रेलर जो है ना इसका एक एवरेज ट्रेलर है, एक नॉर्मल ट्रेलर है। इसकी कहानी ऐसी है कि उस ट्रेलर में ना ज्यादा मार्जिन नहीं था, अगर हम साइड लें ना डायरेक्टर की और एक्टर की, तो ज्यादा मार्जिन नहीं था दिखाने का, ठीक है। ट्रेलर तो उस लिहाज से एक एवरेज ट्रेलर है, लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल मुखालिफ बात करें तो बात यह है जहाँ मार्जिन ना हो वहाँ पे चीज दिखा देना, अपनी क्रिएटिविटी दिखा देना, यही तो आर्ट है ना। तो इसको हम एवरेज, बिलो एवरेज नहीं कहना चाहिए, एक एवरेज ट्रेलर था, अच्छा ट्रेलर था। इसमें किसी आम बंदे को इसका, जिसे इस फिल्म का बैकग्राउंड नहीं पता किस चीज पे बन रही है फिल्म, तो उससे कुछ आइडिया नहीं होगा खास, जैसे ये पता लगे कोई रेस्क्यू मिशन वगैरह है, दैट्स इट, ठीक है, मतलब हम समझ नहीं सकते। हाँ, ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। ओके, इसकी स्टोरी के बारे में? हाँ, स्टोरी इसकी ये है कि ये ना एक इनके रियल हीरो थे इंडिया के, उनका नाम था जसवंत सिंह गिल। वो पेशे के एतबार से इंजीनियर भी थे और ट्रेंड रेस्क्यू वर्कर। रानीगंज के इलाके में आ गया था तूफान, तो जिससे जो कोयले की गालिबन माइन थी, जिसे कान कहते हैं, वहाँ पे तकरीबन 65 लोग ना जो माइनर्स थे वो फंस गए थे, कानपंदे फंस गए थे। उनको रेस्क्यू करने का मिशन था, 48 घंटे लगे थे इसके ऊपर। okay. और ये ऐसा मिशन था कि जिसमें वो पहली बार ट्राई हो रहा था इंडिया में, इससे पहले ये जो प्लान था ना, इस रेस्क्यू प्लान जो था, ये कोई ट्राई नहीं हुआ था इंडिया में। तो उनके बहुत सारी हर्डल्स भी थी इसमें प्लान को एग्जीक्यूट करने में, प्लस जसवंत सिंह की बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। तो ये इन्होंने एक पूरा का पूरा उसको, जो रेस्क्यू वर्क था, जो रेस्क्यू मिशन था, उसको इसमें फिल्माया है। तो मतलब एक रियल कहानी में, एक हकीकी कहानी है। ओके, अच्छा, ये जो फिल्म है इसके नाम को दो बार चेंज किया गया, इसकी वजह क्या है? देखिए पहले इसका नाम कैप्सूल गिल, ओके, उसे चेंज करके फिर उन्होंने रखा द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू। अब इससे चेंज जो किया ना द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू को, उसके पीछे है सारी की सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। आपको पता है कि इंडिया ने अपना नाम, बीजेपी ने इंडिया का नाम भारत कर दिया। अब इसमें आ रहा था द इंडियन, द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, यानी इंडियन लफ्ज आ रहा था, इंडिया से निकला वाला था ना इंडियन, तो इंडियन आ रहा था, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रखा है मिशन रानीगंज। रानीगंज के इलाके में सारा 1989 का वाक्य है जब ये हुआ था, क्योंकि आपको पता है मोदी साहब के और के जनाब अक्षय कुमार के कितने ज़्यादा ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से उन्होंने बीजेपी की साइन लेते हुए इसका नाम चेंज कर दिया। मेरे नज़दीक ना इसका नाम होना चाहिए था वो 48 घंटे, यानी 48 घंटे का मिशन था, तो एक एक लम्हा, एक एक लहजा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट दिखाना चाहिए था, एक एक घंटा दिखाना चाहिए था, वो 48 घंटे, तो ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा मजेदार नाम था। ये नाम होता तो समझ भी सकते कि 48 घंटे इनमें होगा। नाम ये भी अच्छा है, मिशन रानीगंज ये भी नाम अच्छा है, लेकिन वो नाम जरा, ये जरा ऑकवर्ड था, यानी ऑकवर्ड नहीं कहना चाहिए, ये जरा ज्यादा आम हो चुके हैं ऐसे नाम, मिशन इम्पॉसिबल, मिशन फलांग, मिशन ये, मिशन वो, तो इससे ज्यादा बेहतर ये था। अच्छा नाम होता है कि उसे हम एक आइडिया भी लगाते कि 48 घंटों में वो 48 घंटे बस ही हो गए। अच्छा, क्या लग रहा है ये मूवी कामयाब होगी? ये मूवी कामयाब हो जाएगी। क्या वजह आपको? इसकी वजह ये है कि एक पहली बात तो ये कि जो अब इस वक्त अब तक जो तजिया हो रहा है ना इस मूवी का, वो ये कह रहा है कि ये 500 करोड़ की मूवी है, ठीक है, यानी ये 150 करोड़ कमाए तकरीबन OMG 2 ने अक्षय की, ये उसे तकरीबन 3 गुना पे जाएगी, ये कामयाब हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये है, कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ होगा डायरेक्टर का, अगर फिल्म का नहीं पता कि फिल्म के अंदर क्या है, वो 6 अक्टूबर को ही पता लगे, ट्रेलर से कुछ इतना वाजा नहीं हो रहा। देखिए कहानी है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपका इंडिया का ही हीरो है जिसने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया था और 48 घंटे का एक मिशन डिजाइन किया था जिसकी बड़ी मुखालफत हुई थी, लोग देखा है ना, आपने थप्पड़ ही मारा है उसे, लेकिन उनके आप क्या कह रहे हो, उनको समझ नहीं आ रही। हाँ जी, तो मुखालफत भी थी, प्लस उसे ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं करने दिया जा रहा था, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, उसके बावजूद उसने 65 लाइव जो है 65 जिंदगी बचाई,
तो ये अगर इसको तरीके से दिखाया जाए तो बंदे के रोंगटे खड़े कर देगा बिल्कुल। ये जो मूवी है ये आप उसमें इसमें मैं हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, इसके दम खूब हो जाएंगे आप, और आप ये रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी होगी। लेकिन अगर आप इसे स्पॉइल करना चाहें तो डायरेक्टर से बहुत आसानी के साथ स्पॉइल कर सकते हैं। उनके अगर सही तरह बनाइए तो हम आराम से नजर नहीं हटा सकते इस फिल्म से। और ज्यादा जबरदस्त मूवी आम ये लोग सोने वाली तो मूवी है। प्लस दूसरा फैक्टर यह है कि परिणीति की हाल ही में शादी हुई है। परिणीति चोपड़ा सब ट्रेंडिंग में है, वो ट्रेंड कर रही है। इसकी हीरोइन है परिणीति और अभी उनकी 24 को शादी हुई है 24 सितंबर को और 6 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, यानी चंद दिनों बाद है। तो ये परिणीति का जो फैक्टर है ना वो भी बहुत काउंट करेगा। प्लस अक्षय की इससे पहले जो मूवी हिट हुई है चंद दिन पहले ही वो थी OMG 2, उसकी भी इसको सपोर्ट मिलेगी। तो आप नहीं कह सकते कि मूवी है हिट है। ओके ये दो फैक्टर के बीच हाँ जी देखिए ये बड़ी फैक्टर है, अहम चीज़ है दोनों। ओके अच्छा जिस तरह ये मूवी जो है रियल हीरोज पे बनाई गई है तो क्या समझते हैं इस तरह की स्टोरीज बननी चाहिए या बनाई जानी चाहिए? मुश्किल ट्रिकी क्वेश्चन है, अब इसका कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। पहली बात तो यह कि अपने हीरोज को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रियल लाइफ स्टोरीज पे हाथ डालना चाहिए, ठीक है। सब बात सही है मैं मानता हूँ, लेकिन बाद में जो मेरे जहन में एंगल है वो ये है कि अक्षय का करियर जो है ना वो ख़त्म हो गया मेरी नज़र। सॉरी टू से उनके फैंस से मदद आपने देखे उनके पास स्टोरी नहीं है, उनकी मुसलसल फिल्म फ्लॉप हुई है, मुसलसल बेतहाशा, और उसके बाद OMG 2 उनकी हिट हुई थी। अक्षय जो है मुसलसल एक ही चीज़ का सहारा ले रहे हैं, एक या तो है मजहब या फिर वो ले रहे हैं गुलवक्ति का। Okay. अपने मुल्क से मोहब्बत बेच रहे हैं या मजहब बेच रहे हैं। वाकई ये इस तरह का अक्षय कुमार यही लाइन पर चल रहे हैं। आपके सामने ही है ना OMG 2 थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन मैं वैसे बात करूँ वो चाहे हुई है आपस की बात है, तो इसमें अगल बंदों के लिए निशानियाँ हैं अक्षय साहब को समझ चलना चाहिए। लेकिन वो ना बिल्कुल हार मान के जाए, वो हारा हुआ खिलाड़ी में होता है इस वक्त। अक्षय हारे हुए खिलाड़ी की तरह ना सेफ जोन में सेफ खेलना चाह रहे हैं सर, और उसकी वजह से वो मजहब का सहारा ले रहे हैं और गुलवत्ती का सहारा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ अदरवाइज अपने हीरोज को प्रमोट करना चाहिए, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन ऐसा वो कर क्यों रहे हैं कामयाबी के लिए मुसलसल जो फिल्म उनकी फ्लॉप okay. मतलब इसी में खेलेंगे तो कामयाब होंगे उनका उनका ये नजरिया है। लेकिन देखिए ना OMG 2 ने उन्हें गलत साबित किया। OMG 2 कुछ और तरह की फिल्म थी और उसके मुकाबले में एक वो फिल्म थी जो गुलवक्ति को बेच रही थी बिल्कुल वो जी गदर 2 अच्छा वो कामयाब हुई, लेकिन ये भी कामयाब हुई साथ बुरी नहीं गई कुछ तो करना पड़ेगा ना, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होना चाहिए जिसके तब भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ मजेदार से जो हम भी बैठ के देखते रहे बस। हाँ बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। ये हम बात कर रहे थे मिशन रानीगंज पर, लेकिन अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मूवी किस तरह की लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये मूवी कामयाब होगी या नहीं, आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।